हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो SME डेडिकेटेड है, यानी आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ SME का स्टॉक है। दोस्तों, बात करने वाला हूँ एफकॉम होल्डिंग के बारे में। दोस्तों, यह एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन आपको इसे लॉट में बाय करना होगा। लॉट साइज इसका 1200 का है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने ग्लोबल वेक्ट्रा के बारे में वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि इस फील्ड में बहुत ही कम कंपनियां हैं, जिस कारण कि ऐसी कंपनियों के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। चलिए देख लेते हैं ये कंपनी क्या काम करती है, किस तरह का भविष्य है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बात और, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये बात ध्यान में रखना। दोस्तों, इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे क्या क्या प्रोडक्ट हैं, तो आप देखिए कि जनरल कार्गो, डेंजरस गुड्स, प्रोजेक्ट कार्गो और हाई वैल्यू कार्गो। उसी के साथ आप देखेंगे कि फ्लाइंग फार्मा, फ्लाइंग प्रायोरिटी, फ्लाइंग एक्सप्रेस और फ्लाइंग फ्रेश। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लिए, इनके 4-8 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे आपने देख लिया। एक कुंडला जिलाकर लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं। यहाँ पे आप देखना कि जो एफकॉम होल्डिंग लिमिटेड है, प्रोफेशनली मैनेज इंटरनेशनल कार्गो एयरलाइंस दैट बिगन इट्स बिजनेस इन चेन्नई। इट वाज फाउंडेड इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल हु हैव नोटेबल एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस एंड पार्टनरिंग विथ इंडस्ट्रीज लीडर इन प्रोमिसिंग एरिया ऑफ डिफेंस, IT, फाइनेंशियल सर्विस, रियल इस्टेट एंड एविएशन। दोस्तों, अगर आप ये समझना चाहें कि फ्लाइंग फार्मा क्या है या फिर फ्लाइंग प्रायोरिटी क्या है, तो हम फ्लाइंग फार्मा पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं ये फ्लाइंग फार्मा क्या है। यहाँ पे देखना, ये फार्मा की कुछ दवाइयाँ दिखाई गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो फ्लाइंग फार्मा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी फास्टेस्ट वे से ये दवाइयाँ डिलीवर करेगी, पहुँचाएगी। यहाँ पे अगर आप ये पूछेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, मतलब कि ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कंपनी के पास प्रोफेशनल लॉजिस्टिक है, नोबिलिटी है, कैलिबर है, ग्लोबल हाई स्किल्ड है और स्टोरेज है। यहाँ पे आपने देख लिया। इसी तरह से आप सब में देख सकते हो कि कंपनी क्या काम करती है। फ्लाइंग फ्रेश मतलब कि बहुत तेज़ी से सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, जनरल कार्बेज और डेंजरस गुड्स में अगर आप देखना चाहें तो डेंजरस गुड्स में भी आपको चीज़ें दिखेगी। और ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी जो है कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है, जो आपकी डेंजरस कार्गो विथ मेटिकुलस केयर जो होते हैं उनके लिए। यहाँ पे आप देखना कि ट्रांसपोर्टिंग ऑल डेंजरस गुड्स फ्रॉम 1 to 9 रेंज, एक्सप्लोसिव गैसेस, करोसिव और ऑक्सीडाइजर, पैराक्साइड और टॉक्सिक प्रोडक्ट, इन सब के लिए कंपनी विशेष व्यवस्था करती है। ये बात ध्यान रहे। दोस्तों, एक बात अबाउट सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कुछ बातें। दोस्तों, ये कंपनी चार्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। इनका जो एक उद्देश्य है कि किसी भी चीज़ को तेज़ी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये चार्टर के माध्यम से ऐसा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, कार्गो सॉल्यूशन इज अवर मोटो, ये इनका मोटो है इस कंपनी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी डेडिकेटेड फुल चार्टर, डेडिकेटेड ऑपरेशन सेल्स टीम, फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइज फ्लाइट प्लानिंग, प्रायोरिटी हैंडलिंग और एक्सेस टू टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटी ऑन ग्राउंड, एक्सेस टू टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटी। जैसे किसी मेडिसिन को होता है कि इस मेडिसिन को इतने टेम्परेचर पे रखना जरूरी है, तो ये कंपनी उस तरह की व्यवस्था प्रोवाइड कराती है। अच्छा, अब इसके फंडामेंटल को फटाफट देखते हैं कंपनी क्या कैसा फंडामेंटल है। यहाँ पे आप देखिए कि ये कंपनी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करती है। एफकॉम होल्डिंग लिमिटेड SME की कंपनी है, यानी आपको 1200 शेयर खरीदेंगे तब एक लॉट मिलेगा, यानी 1200 शेयर खरीदने के लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि प्राइस अभी 455 का चल रहा है, सॉरी 421 का चल रहा है। आप देखना कि 1047 का मार्केट, 1047 करोड़ का मार्केट कैप है, 79 का PE है, इंडस्ट्री का PE 24 है और आप देखिए ROE में कोई शिकायत नहीं है और डेट ना के बराबर है, फेस वैल्यू 10 है। इस हिसाब से आपने देख लिया, प्रॉफिट ग्रोथ 159% है।
क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी तो ये मार्केट में आई है कंपनी, यहाँ पे देखना कि सेल्स ग्रोथ क्या है। 14 करोड़, 48 करोड़, फिर 84 करोड़, 3 टाइम, और फिर आप देखेंगे 2 टाइम के करीब बढ़ा है कंपनी का सेल्स। नेट प्रॉफिट कभी -4 करोड़ हुआ था, करता था, आज 14 करोड़ दिखाई दे रहा है। ये आज का नहीं है, माफ़ करना, ये मार्च 23 तक का डेटा उपलब्ध है। तो ये तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -43%, फिर 20% इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने तो ये देख लिया। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आप देखिए कि रिजर्व माइनस से अब प्लस में पहुँच चुका है, वो भी 56 करोड़, और बोरोइंग 0 है। फिक्स्ड एसेट कोई नहीं है, लेकिन कंपनी CWIP कर रही है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखिए 42% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, FII के पास करीब 9% की, और DII के पास 3%, और पब्लिक के पास 45% की होल्डिंग है। दोस्तों अभी ये अगस्त में मार्केट में लिस्ट हुआ है, और इसके पीयर ग्रुप में हम आपको दिखा देते हैं कौन सी कंपनियां हैं। जैसे मैं ग्लोबल वेक्ट्रा के बारे में बात कर रहा था, और एफकॉम, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दिया आपको कि या तो आप ग्लोबल वेक्ट्रा खरीद लीजिए, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी नीचे गया था, 250 के नीचे भी गया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको खरीद लीजिए। बहुत पहले वीडियो बनाया था, हाई भी गया, फिर अभी 265 पर ट्रेड कर रहा है। तो इस फील्ड में आप देखेंगे कि लिमिटेड कंपनियाँ हैं, लिस्टेड हैं, और मुझे लगता है कि जो मार्केट में जो ये उड़ान वाली व्यवस्था है, इसका जनरलाइजेशन होना लाजमी है। और लोग, आप देख रहे हैं कि आजकल आम आदमी भी एरोप्लेन या फिर जहाज पे चढ़ रहा है और यात्रा कर रहा है, लेकिन अभी भी उतना सुलभ नहीं हुआ है, और बहुत जल्दी ये सुलभ होगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो एफकॉम होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। आपको यह स्टॉक कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।